हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो है लेक्चर होगा, और इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे जो कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रकार से बारे में यहाँ पे जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। हालांकि हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में काफी कुछ जान लिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, हिस्ट्री में जो है हमने जो है पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम उतना डीप में नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो है 1885 ईस्वी में एवो ह्यूम के एक प्रकार से अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है कि स्थापना की गई। कब? तब 1885 1885 ईस्वी ईस्वी में में जो जो है है भारतीय भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस की की स्थापना स्थापना ह्यूम ह्यूम ने ने की की थी थी और और बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब तैयब जो जो इसके इसके प्रकार प्रकार से से सॉरी सॉरी बिमोह बिमोह चंद्र चंद्र बनर्जी बनर्जी जो जो है है इसके इसके प्रकार प्रकार पहले पहले जो जो है है अध्यक्ष अध्यक्ष भी भी बने बने थे। थे। और और 1929 1929 ईस्वी ईस्वी की की अगर अगर जो जो हम हम बात बात करें, करें, बिमोह बिमोह चंद्र चंद्र बनर्जी बनर्जी जो जो थे थे ये ये पहले पहले जो जो इसके इसके अध्यक्ष अध्यक्ष बने बने थे, थे, और और इस इस अधिवेशन अधिवेशन में में जो जो है है 11 11 प्रस्ताव प्रस्ताव सॉरी सॉरी 72 72 प्रतिनिधियों प्रतिनिधियों ने ने जो जो है है भाग भाग लिया लिया था। था। ये ये जितना जितना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट था था बस बस जान जान लिया। लिया। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस के के जो जो है है जो जो 1925 1925 ईस्वी ईस्वी में में जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू नेहरू ने ने पूर्ण पूर्ण स्वराज स्वराज का का अध्यक्ष अध्यक्ष पारित पारित किया किया था। था। कहाँ कहाँ पे? पे? लाहौर लाहौर में में इन्होंने इन्होंने पारित पारित किया किया था। था। 31 दिसंबर 1925 मध्य रात के रावी नदी के तट पर इन्होंने जो है यहाँ से निकलती रावी नदी, तो उस पर जो है इन्होंने क्या किया था, झंडा फहराया था। और उसके बाद रहमतुल्ला 1896 ईस्वी में रहमतुल्ला सयानी ने वंदे मातरम गीत पहली बार गाया था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को वंदे मातरम एक प्रकार से राष्ट्रीय गान बना था। कहाँ पे? कलकत्ता में वंदे मातरम जो है ये राष्ट्रीय गान बना। 1905 में बंगाल विभाजन के समय ये गाया गया। इसके बाद 1911 ईस्वी में वोमस नारायण धर ने भारत के राष्ट्रगान में जनगण मन गया गया एक प्रकार से जय जय कहेगा, तो जनगण मन जो है ये गाया गया था। यहाँ गया गया नहीं, ये मतलब जनगण मन जो है ये गाया गया था 1911। नारायण मतलब जो थे वोमस नारायण, तो ये इसको जो है गाया गया था। इसके बाद अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे हम इस लेक्चर में, और भारत के संघ के तथा उसका राज्य क्षेत्र पहले जो हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे। राज्यों का निर्माण कैसे होता है, राज्यों का गठन का अधिनियम क्या है, और राज्यों की राजधानियां क्या है, केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालय क्या है, उच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 क्षेत्रीय परिषद और क्षेत्रीय विशेष राज्यों के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो पहला जो अनुच्छेद है भारत राज्य और उसका संघ क्षेत्र संघ और एवं राज्य एवं उसका क्षेत्र 1 से 4 तक बताया गया। इन सभी के बारे में हमने डीप में जो है पहले अनुच्छेदों में बता दिया है। हालांकि पहले में जो बताया गया इंडिया भारत राज्यों का जो एक संघ होगा, भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा, और नए राज्यों का अगर जो कोई प्रवेश हो रहा हो तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा। मतलब कोई बाहर का राज्य अगर जो भारत में मिलना चाहे तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा। पुराने राज्यों को ही भारत में बनाया जा रहा होगा तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा। उनकी सीमाओं उनके नामों में परिवर्तन किया जाए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह आएगा। राज्य के निर्माण की प्रक्रिया अनुच्छेद 4 के अंतर्गत जो है आएगी। राज्य कैसे बनेगा, उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 1 जो है इंडिया था भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया अथवा भारत एक प्रकार से इसका जो है औपचारिक नाम है, औपचारिक एक प्रकार से नाम कह सकते हैं। और इंडिया जो था इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रकार से प्रेरित है, और भारत जो है वो भरत मुनि के वंशज जो थे, भरत मुनि के जो वंशज थे, जो भरत थे मुनि के नाम थे जो है ये भारत आया है भारत का नाम। राज्यों का संघ जो था 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, लेकिन ये वाला यहाँ पे गलत हो जाता है। अब जो है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ये नवीनतम आंकड़ा है। ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। पहले जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को जो है मिला दिया गया है, अब हो गए हैं 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब मिल गए तो कितने हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अनिवासी राज्यों को विनाशी संघ है, मतलब परिसंघ क्या होता है, अनिवासी राज्यों का विनाशी संघ, और राज्यों को अलग होने की शक्ति है अमेरिका और स्विट्जरलैंड से, जो एक प्रकार से ये है, ये अमेरिका और स्विट्जरलैंड में है। लेकिन राज्यों का जो संघ होगा यूनियन, भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। परिसंघ और राज्यों के संघ में अंतर क्या है,
विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब जो जो राज्यों को नष्ट हो रहे होंगे उनका एक प्रकार से विनाश करने में रोकने वाला एक संघ है, और राज्यों को अलग होने की शक्ति इसमें जो है नहीं है। भारत को मतलब एक प्रकार से राज्य, भारत में कोई भी राज्य जो है अलग नहीं हो सकता है, ये जो है भारत में अपनाया गया है। लेकिन अमेरिका और स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है, कोई राज्य अलग होना चाहे तो अलग हो सकता है, उसके लिए वहां पे स्वतंत्रता है। उसमें अविनाशी राज्यों का एक प्रकार से विनाशी संघ है, उसको फेडरेशन है वो, यहाँ पे क्या यूनियन है राज्यों के, जो एक प्रकार से राज्यों का जो है संघ है। और भारत विद्यमान रूप से जो है ब्रिटिश भारत में जो है देशीकरण किया गया है, और भारत में भाषाई आधार पर इसका जो है पुनर्गठन करने की बात की गई है। तो 1 अक्टूबर 1953 को जो है पहला जो है राज्य बना था भाषाई आधार पर, आंध्र प्रदेश बना था। 12 मई 1946 को श्वेत प्रकाशन किया गया था, श्वेत पत्र का प्रकाशन किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, देशी रियासतों के लिए एक श्वेत पत्र प्रकाशित कर यह घोषणा की थी कि सम्राट का सर्वोच्च शक्ति समाप्त किया जाएगा, वे स्वतंत्र होंगे। मतलब सम्राट की जो सर्वोच्च शक्ति समाप्त करके उनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और 20 फरवरी 1947 ईस्वी को इटली की घोषणा पर आई थी। इसके बाद माउंटबेटन योजना आई थी, और जून 1945 ईस्वी इटली ने कहा था कि जून 1948 से पहले जो है भारत को हम स्वतंत्रता दे देंगे, लेकिन 3 जून 1948 को ही लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई जिसने भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हो गया। इटली की घोषणा जो है मतलब घोषणा के तहत जो है बाद में स्वतंत्रता मिलती, लेकिन माउंटबेटन योजना के भारत और पाकिस्तान विभाजन होने के बाद जो है क्या हो गया था, भारत को स्वतंत्र कर दिया गया था पहले ही 15 अगस्त 1947 को। रेड क्लिफ आयोग बनाई गई थी, भारत और पाकिस्तान की सीमा का जो है निर्धारण किया गया था, भारत और पाकिस्तान का जो इससे विभाजन किया गया था। जून 1947 ईस्वी को रियायती मंत्रालय बनाया गया था, अध्यक्ष इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य इसका था देशी रियासतों का भारत संघ में विलयीकरण, इसका जो है कार्य था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। कब, 4 जुलाई 1947 को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम क्या था, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इसको प्रस्तुत किया गया था। 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति मिली थी। एक्ट के तहत जो है भारत और पाकिस्तान के जो है मतलब इस एक्ट के तहत जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम भारत और पाकिस्तान के एक प्रकार से विभाजित किया गया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो विभाजन के डायरेक्टर थे वो बीपी मेमन थे। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान क्या था, भारत एक स्वतंत्र देश होगा और पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा, देशी रियासतों के अधिकार होगा कि वे अपने रियासत को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं, देशी रियासतों को यह अधिकार दिया जाएगा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान को जो सत्ता जो है दे दी गई थी, और सचिव उस समय कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना वहां के सचिव थे। प्रधानमंत्री जो बनाया गया था लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया था। 15 अगस्त, ये पाकिस्तान की बात हो रही थी, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, और स्वतंत्र भारत में 542 देशी रियासतें थी, 539 देशी रियासतें जो है स्वेच्छा से विलय हो गई थी, 3 ने जो है विलय नहीं किया था। इनके बारे में हम बता चुके हैं, इनके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है। राज्यों का निर्माण 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा और असम, इनका जो एक प्रकार से भाषा के आधार पर बिहार उड़ीसा और असम का जो है गठन ब्रिटिश शासन काल में भाषा के आधार पर किया गया था। 1912 में इनको जो है बने थे, लेकिन भाषा के आधार पर ब्रिटिश शासन काल में इनका मतलब भाषा के आधार पर जो है गठन किया गया था ब्रिटिश शासन काल में 1912 में ही। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा था, तो वायसराय कौन, लॉर्ड हार्डिंग जो था ये वायसराय था। लॉर्ड हार्डिंग 1910 ईस्वी से लेकर के
1916 ईस्वी तक जो है एक प्रकार से जो वायसराय था उसका उद्देश्य था इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी को महारानी का एक प्रकार से स्वागत इसने किया था। इसी के उद्देश्य से मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली में दरबार का इसने जो है आयोजन किया था। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन का घोषणा जो थी वो रद्द कर दी गई थी। राजधानी परिवर्तन की मतलब घोषणा की गई थी कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी बनाई गई थी 1911 ईस्वी में। बिहार उड़ीसा और असम राज्य के एक प्रकार से निर्माण की घोषणा यहीं पे की गई थी। कांग्रेस कलकत्ता का अधिवेशन में जो है राष्ट्रगान इन्होंने गाया था 1911 ईस्वी में ही। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। यहाँ पे बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी 1911 में, लेकिन 1912 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। याद रखना डिफरेंस इनमें, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन रख देता है इनसे। राजधानी जो परिवर्तन कलकत्ता से दिल्ली हुई थी वो कब हुई थी 1912 में, प्रस्ताव कब की गई था 1911 में प्रस्ताव रखा गया था। राजधानी संपन्न समय परिवर्तन समारोह वायसराय हार्डिंग ने जुलियस के साथ दिल्ली प्रवेश कर रहा था तब उसे चांदनी चौक पर क्या किसने किया था बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग के, लेकिन यह बच गया था उसमें। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तीन समितियां बनी थी। 27 नवंबर 1947 ईस्वी में एस के धर समिति बनी थी। 1948 ईस्वी में जेवीपी समिति बनी थी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के निर्माण इसने जो है अस्वीकार कर दिया गया था। इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का निर्माण इसमें भी स्वीकार कर दिया गया था जेवीपी समिति में। और इसके बाद 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को फजल अली आयोग बना जिसमें 16 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन की सिफारिश की गई थी। भाषा के आधार पर जो है बना था तो इसमें जो है इतने राज्यों के एक प्रकार से समिति का गठन मतलब हुई थी। और 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इगर जो हम बात करें 1952 में पोट्टो श्री रामल्लू का इन्होंने आमरण अनशन किया था। ये जो पोट्टो श्री रामल्लू थे इन्होंने आमरण अनशन किया था तेलुगु भाषा को इन्होंने अलग राज्य बनाने के लिए। आंध्र प्रदेश के किसान नेता थे और पोट्टी श्री रामल्लू 56 दिन तक इन्होंने आमरण अनशन किया था। 10 दिसंबर 1952 ईस्वी को 56वें दिन उनकी क्या हो गई थी मृत्यु हो गई थी। 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। 1 अक्टूबर 1947 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का जो है सॉरी 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का जो है गठन किया गया था। 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग कौन सी थी, गठन 22 दिसंबर 1953 को इसका किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। अध्यक्ष इसके जो फजल अली थे, सदस्य जो थे हृदयनाथ कुंजरू और के एम पड़िक्कर जो है इसके सदस्य थे। रिपोर्ट 1955 में इसने जो है पेश की थी, सिफारिश की थी 16 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश में की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित किया गया था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग जो एक प्रकार से ये आया था। इससे जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो इसमें गठन की बात की गई थी। 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र गुजरात का एक प्रकार से गठन किया गया। 16 मई 1960 ईस्वी को भाषा के आधार पर जो है गठन बंबई जो है विभाजन कर दिया गया था। बंबई का जो है विभाजन कर दिया गया था, महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया गया था। कब बनाया गया था, 1 मई 1960 ईस्वी को जो गठन किया गया था महाराष्ट्र और गुजरात का, तो बंबई का विभाजन कर दिया गया, दो राज्य बना दिए गए महाराष्ट्र और गुजरात। पहले जो महाराष्ट्र गुजरात था उसी को बंबई बोला जाता था। और 1961 ईस्वी में दादर और नगर हवेली सैन्य कार्यवाही द्वारा पुर्तगाल से जो है छीन कर केंद्र शासित प्रदेश का जो है दर्जा दिया गया। 1962 में गोवा दमन द्वीप जो बनाया गया, सैन्य कार्यवाही से पुर्तगाल से छीन कर केंद्र शासित प्रदेशों का इनको जो है दर्जा प्रदान किया गया था पुर्तगाल गोवा और दमन द्वीप को। यहाँ पे पुर्तगालियों का जो एक प्रकार से शासन हुआ करता था। 1963 में नागालैंड बना, गठन 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को
आंदोलन किसने का किया था, नागा आंदोलन जो इसमें था, असम का जो है इसमें विभाजन कर दिया गया था, और 1966 में जो है हरियाणा राज्य को बनाया गया, गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी को किया गया था, भाषा के आधार पर इसको जो है गठन किया गया था, पंजाब का जो है विभाजन करके हरियाणा जो है बनाया गया था, राजधानी दोनों की जो है विवाद की स्थिति में दोनों की राजधानी एक ही कर दी गई थी, पंजाब की राजधानी हरियाणा और सॉरी पंजाब और हरियाणा की राजधानी जो थी वो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, क्योंकि ये विवादास्पद राजधानी थी, दोनों की एक प्रकार से राजधानी थी, दोनों की राजधानी बनाई गई थी, इसलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया विवाद न रहे। 1969 ईस्वी में तमिलनाडु का गठन किया गया था और 14 जनवरी 1969 ईस्वी को एक प्रकार से 1969 ईस्वी को तमिलनाडु का गठन हुआ। मद्रास का नाम जो है परिवर्तन कर दिया गया, मद्रास का गठन किया गया 1956 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का जो है गठन किया गया 25 जनवरी 1971 ईस्वी को, ये अपना स्थापना दिवस इसी दिन भी मनाता है। हिमाचल प्रदेश के शासित प्रदेश का पूर्ण राज्य का इसको जो है दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश से इसको पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया। इसके बाद 1972 ईस्वी में मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा को जो है राज्य का गठन किया गया था। 21 जनवरी 1972 को मेघालय असम का पूर्ववर्ती प्रदेश था, और इसके बाद 21 पूर्ववर्ती जो क्या था असम था उसको मेघालय बना दिया गया, अलग कर दिया गया उससे असम से, और असम का जो एक और एरिया था मणिपुर उसको बना दिया गया, उसको भी अलग कर दिया गया 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा जो केंद्र शासित प्रदेश था उसको त्रिपुरा राज्य बना दिया गया। 1973 में कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था, कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था, और मैसूर का नाम जो है परिवर्तन कर दिया गया था, मैसूर का गठन 1956 में किया गया था। 1975 में सिक्किम जो है बनाया गया, इसका गठन 26 अप्रैल 1975 में किया गया, चीन द्वारा ये मतलब अधिकृत क्षेत्र था। सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था और 36वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है भारत में लाया गया था। सिक्किम जो था प्राकृतिक रूप से खूबसूरत और अलग राष्ट्र है। सिक्किम पर पाकिस्तान ने जो है आक्रमण किया था, कहने का मतलब जो है पूर्वी पाकिस्तान है था उसने जो है आक्रमण किया था, और सिक्किम को भारत से मदद मांगी थी, सिक्किम ने जो है भारत से मदद मांगी थी, भारत ने मदद देने में असहमति जताई थी क्योंकि भारत का संविधान इसके जो है खिलाफ था, भारत का जो संविधान मदद नहीं करेगा वो जो है किसी मतलब पाकिस्तान के पक्ष में। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत में संबद्ध राज्य जो है इसका जो है बनाया गया, और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दे दिया गया। मतलब जब 35वां संविधान संशोधन 1974 किया गया तो इसको संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, 36वां संविधान संशोधन किया गया तो इसको पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दे दिया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा तीन राज्यों का एक प्रकार से निर्माण किया गया। 20 फरवरी 1987 ईस्वी को अरुणाचल प्रदेश जो पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। 20 फरवरी को मिजोरम को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। 30 फरवरी 1987 ईस्वी को गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से गोवा राज्य बना दिया गया, जो 1961 ईस्वी में क्या था पुर्तगालियों के मतलब चंगुल से उसको आजाद किया गया था। 2000 में तीन राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य जो बनाया गया मध्य प्रदेश से काट करके बनाया गया। 9 नवंबर आया, 9 नवंबर को उत्तराखंड जो था जो उत्तरांचल वक्त बोला जाता था पहले, अब उत्तरांचल बोला जाता था इसको, पहले जब बनाया गया था तो उत्तरांचल बोला गया था। 2006 में इसका जो है क्या कर दिया गया था, इसको अलग कर दिया गया 2006 में इसका जो है मतलब उत्तराखंड जो है नाम दिया गया, और उत्तर प्रदेश जो है मतलब उत्तर प्रदेश से एक काट के बनाया गया था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक प्रकार से झारखंड बना था, बिहार राज्य के मतलब
काट कर ये बनाया गया था। तो याद ना रख पाए आप इसको, तो छा के बाद जो आता है वो जा आता है, लेकिन वो पहले आ जाता है, इसको याद रखना। तो छा के बाद जा, एक के बाद पंद्रह, छा जा, छा के बाद आता है जा, तो ऐसे याद रखिएगा। बीच में वो डाल दीजिएगा, ये मीडिएटर का काम कर रहा है, और तो उत्तर प्रदेश है, क्यों मीडिएटर का काम कर रहा है इसको भी जान लीजिए। ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश इधर है, और इधर ये है बिहार, तो ये मीडिएटर का काम मान लीजिए कर रहा होगा, तो पहले ये बना होगा, फिर ऐसे याद रखिएगा, कुछ ऐसे मतलब करके याद रखिए ट्रिक से, कि पहले जो है ये को ये बना होगा, नौ को ये बना होगा, पंद्रह को इससे काटा गया होगा झारखंड बिहार से। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना जो था उसका गठन 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का जो है विभाजन कर जो है इसको बनाया गया था, आंध्र प्रदेश का जो है इसको विभाजन कर दिया गया, 2 जून 2014 को नया राज्य बना दिया गया, जिसका नाम पड़ गया तेलंगाना। तेलंगाना की जो राजधानी बनाई गई वो हैदराबाद रख दी गई, और पहले जो है राजधानी हैदराबाद थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी जो चेंज कर दी गई अमरावती बना दी गई है। राज्यों का पुनर्गठन, 29 राज्य का काम खत्म हो गया, 28 राज्य भारत में हो गए। गठन के आधार पर जो है प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, नवीनतम राज्य 2 जून 2014 ईस्वी को जो है बनाया गया, वो क्या बनाया गया नवीनतम, तेलंगाना जो है राज्य बनाया गया है, ये राज्य बनाया गया हालांकि केंद्र शासित प्रदेश नहीं, जम्मू कश्मीर को काट पीट के जो बनाया गया है वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। दमन द्वीप को जो भी अभी बनाया गया है हाल ही में, वो भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया मिला दिया गया है, बनाया नहीं गया है। और छत्तीसगढ़ जो एक प्रकार से 26वां जो है राज्य है। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को मद्रास इसकी जो है मद्रास जो इसका पूर्ववर्ती क्षेत्र था, पहले जो है मद्रास के अंतर्गत था, और संबंधित जो छह अधिनियम था आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो है के तहत लाया गया। असम के बारे में भी हम बता चुके हैं, बिहार के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं, ये अपने बताने वाली चीजें कुछ नहीं है। उड़ीसा को भी हम बता चुके हैं, जितने भी हैं आप देख लीजिए, आप इनको पढ़ लीजिएगा यदि पढ़ना चाहें। बम्बई जो पहले था गुजरात काट के बनाया गया था, और ये बम्बई नागालैंड और वगैरह वगैरह इन सभी के हमने बारे में देख लिया। ये जो है इसका जो है एक प्रकार से 60 लेक्चर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। राज्यों का जो है गठन 1956 ईस्वी में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। 6 केंद्र शासित प्रदेश जो बनाए गए थे वो देख लीजिए, ये जो संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश थे, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली था, पांडिचेरी, लक्षद्वीप था, अंडमान निकोबार द्वीप थे, और त्रिपुरा था, जम्मू कश्मीर ये यहाँ पे पड़ता है, और इन सभी के बारे में आप जानते होंगे, उम्मीद है कि सभी के बारे में कायदे से आप जानते होंगे कि कौन कहाँ है, किस एरिया में कौन पड़ता है, किसको कितने राज्य टच करते हैं, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो इसको याद रखना। राज्यों का पुनर्गठन 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र और गुजरात गठन किया गया, 1 मई 1960 ईस्वी को भाषा के आधार पर बंबई का जो है विभाजन कर दिया गया था। ये दो राज्य हैं, और भी राज्यों का गठन जो किया गया था, 10वां संविधान संशोधन लाया गया दादर और नगर हवेली, 12वां संविधान संशोधन लाया गया गोया और दमन द्वीप समूह को, इसको जो है 1962 ईस्वी में एक्चुअल में ये जो 1961 में ही हुआ था, मतलब गोवा को जो है प्रकार से गोवा और दमन द्वीप को 1961 के अंतर्गत जो लाया गया था पुर्तगालियों की चंगुल से 1961 में इसको आजाद कराया गया था। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश 1962 में इसको जो है लाया गया था, मतलब इनका जो है गठन किया गया था, राज्यों का गठन किया गया था। दादर और नगर हवेली का गठन जो है 1961 ईस्वी में 10वां संविधान संशोधन किया गया था, गठन किया गया सैन्य कार्यवाही से पुर्तगाल को एक प्रकार से छीन करके केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया गया था 1962 में, और 61 में इसको जो है आजाद कराया गया था दोनों को पुर्तगालियों के आधिपत्य से। यह दमन द्वीप जो है यहाँ पे पड़ता है, दादर और नगर हवेली यहीं पे पड़ता है,
और ये जो है गोवा यहाँ पे पड़ता है, इन चीजों के बारे में याद रखिए। 1962 दिखा रहा है आपको, मतलब इनका जो है गठन किया गया था 1963 ईस्वी में, नागालैंड का गठन किया गया 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। आंदोलन जो चला था वो नागा आंदोलन चला था, असम का जो है विभाजन कर दिया गया था। असम कहाँ पे आता है, असम का एरिया ये इधर का था, ये जो अब एरिया आता है ये एक्चुअल में ये एरिया आता है ये यहाँ से ये करके कर कुछ ऐसे असम का ये एरिया था, उसी असम का एरिया काट करके नागालैंड एक एरिया रख दिया गया। राज्यों के पुनर्गठन में हरियाणा की हम भी बात कर चुके हैं कब हुआ था, और हरियाणा जो है ये है चंडीगढ़ जो है यहाँ पे पड़ती है, इसलिए ये विवाद का विषय बना रहा कि चंडीगढ़ जो हरियाणा कह रहा था मेरे एरिया में आना चाहिए, पंजाब कह रहा था नहीं मेरे एरिया में आना चाहिए, तो इन दोनों में जो है विवाद हो गया। और विवाद होने पर इसको क्या बना दिया गया, इसको चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और दोनों की राजधानी बना दिया गया। राज्यों के पुनर्गठन में तमिलनाडु की भी बात हम कर चुके हैं, 14 जनवरी 1969 ईस्वी को मद्रास नाम के परिवर्तन कर मद्रास पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत आया था। तो ये जैसे एरिया ये यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु में 1969 में इसको बनाया गया था। राज्यों के पुनर्गठन में हिमाचल प्रदेश का अगर जो बात करें तो हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया था 1971 में, जो है प्रकार से इसका गठन किया गया था केंद्र शासित प्रदेश से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, 1971 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। राज्यों के गठन की अगर जो बात करें तो 21 जनवरी मेघालय मणिपुरी तीनों के बारे में हम बता चुके हैं, इनका मैप में एरिया देखेंगे तो मणिपुर यहाँ पड़ता है, मेघालय यहाँ पे पड़ता है, त्रिपुरा यहाँ पे पड़ता है। कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन तरफ से जो है घिरा है, तो वो त्रिपुरा है, वो तीन तरफ से घिरा हुआ है। राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर अगर जो हम कर्नाटक की बात करें तो 1 नवंबर 1956 मैसूर नाम का जो है परिवर्तन कर मैसूर का गठन 1956 में किया गया था, इसका नाम परिवर्तन करके कर्नाटक बना दिया गया 1973 ईस्वी में राज्य बना दिया गया। ये जैसे मैसूर यहाँ पे पड़ता था और यही जो है एरिया जो आता है कर्नाटक का एरिया आता है। और सिक्किम की बात करें 1975 में सिक्किम राज्य का गठन 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को, 26 अप्रैल को ये अपना क्या मनाता है, 26 अप्रैल को 1975 को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। चीन अधिकृत था ये और सिक्किम 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन से, 36वां संविधान 35वां संविधान संशोधन जब किया गया था तो इसको संबद्ध राज्य बनाया गया था 1974 में, 1975 ईस्वी में इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। सिक्किम जो एरिया यहाँ पे आया था 22वां राज्य बना था और 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। राज्यों के गठन में अगर जो हम बात करें 1987 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, गोवा, तीन राज्य बनाए गए थे। ध्यान रखना गोवा जो है बाद में बना था, 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से मतलब जो था उसको जो है गोवा बना दिया गया था राज्य, और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश थे दो अरुणाचल प्रदेश मिजोरम इनको जो है राज्य बनाया गया था 20 फरवरी 1987 ईस्वी को, और ये 30 मई था याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे पड़ता है, मिजोरम यहाँ पे पड़ता है और गोवा यहाँ पे पड़ता है, तीनों जो है 1987 में आए थे। गोवा 30 मई को आया था, बाकी 20 फरवरी को आए थे। ओके, राज्यों के पुनर्गठन में 2000 में तीन राज्यों का गठन किया गया जिनके बारे में बता चुके हैं हम आपको। 9 नवंबर 2000 को एक प्रकार से क्या आया था, वो उत्तराखंड जो है पहले जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो जो सिंह के आकार का जो है दिखता था उत्तर प्रदेश, उसको काट करके जो है बना दिया गया था क्या, उसको जो है काट करके बना दिया गया एक प्रकार से उत्तराखंड बना, उत्तरांचल बना दिया गया था 2006 में, इसका जो है उत्तराखंड नाम दे दिया गया। 15 नवंबर 2000 को ये जो है झारखंड जो है बनाया गया, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया गया। ध्यान रखना
झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमा आपस में टच नहीं करती है, याद रखना। लेकिन छत्तीसगढ़ की और झारखंड की सीमा आपस में टच करती है। पहले जो है बिहार इतना हुआ करता था एरिया, मध्य प्रदेश जो है इतना हुआ करता था, तो बाद में इसको अलग करके जो है जब छत्तीसगढ़ कर दिया गया इससे, तो इसका एरिया जो है इतना ही रह गया। राज्यों के पुनर्गठन में तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का जो विभाजन किया गया और तेलंगाना जो है राज्य बनाया गया 2 जून 2014 को। राज्यों के पुनर्गठन में वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर जो है इन सभी के बारे में जो है अलग अलग बताया गया कि संविधान संशोधन से जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात बताई गई है, कब इसको बनाया गया। ये फिगर में आपको देख रहे होंगे, सारी चीजें इसमें डिटेल में दी गई हैं। राज्यों के पुनर्गठन की क्रम की अगर जो बात करें तो पहला जो है आंध्र प्रदेश था और 26वां जो है प्रकार से छत्तीसगढ़ था, 29वां जो बनाया गया है वो तेलंगाना बनाया गया था, लेकिन इन दोनों को एक प्रकार जम्मू कश्मीर का एक प्रकार से विभाजन कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो जब केंद्र शासित जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हटा दिया गया तो 28 राज्य रह गए, हालांकि यह 29वां राज्य जो है बना था। राज्य की राजधानियों की बात करें तो 28 राज्य हैं यहाँ पे, और भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% जो है हिस्सा भारत के हिस्से में है। जनसंख्या की दृष्टि से 1,35,00,000,000 के करीब पहुंच चुकी है जनसंख्या, ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो है बात की जा रही है। कोरोना ना लगा होता जनगणना हो गई होती। अब यहाँ पे भारत की जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% हिस्सा जो है वो भारत की जनसंख्या एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर भारत है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर जो है भारत है। गठन के आधार पर जो बात करें, प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश बनाया गया। नवीनतम जो राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। जनसंख्या के आधार पर 2011 की जनगणना की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। राज्यों की सूची की अगर जो बात करें तो राज्यों की सूची क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। 1 अक्टूबर 1956 ईस्वी को इसका जो है गठन किया गया था हैदराबाद। राजधानी ऐसे देख लीजिए डायरेक्ट, असम दिसपुर है, बिहार पटना है, हालांकि सभी के बारे में हम डिटेल में बता चुके हैं। उड़ीसा भुवनेश्वर है और जम्मू कश्मीर शीतकालीन राजधानी जो है, जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी क्या है वो जम्मू है, और श्रीनगर जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। केरल तिरुवनंतपुरम ये भी अब भी राजधानी है इसकी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, कर्नाटक की राजधानी बंगलोर है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, और ये जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश अब हो गया है। यहाँ पे जो है राज्य दिख रहा है, राज्य नहीं, काम खत्म हो गया। अब उत्तर प्रदेश लखनऊ है, पश्चिम बंगाल कोलकाता, गुजरात गांधीनगर है, महाराष्ट्र मुंबई है, नागालैंड कोहिमा है, और इनकी उच्च न्यायालय जो दिख रहे हैं इधर जो है ये उच्च न्यायालय दिख रहे हैं कि किसकी उच्च न्यायालय कहाँ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जब उच्च न्यायालय भी इधर की आप लिख लीजिए कहीं पे, जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो जिनकी ज्यादातर राजधानियां भी मतलब उच्च न्यायालय हैं उनको नहीं पूछता, जिनकी राजधानियां नहीं है उनकी पूछता है। नागालैंड कोहिमा, हरियाणा चंडीगढ़, जम्मू हिमाचल प्रदेश शिमला है, धर्मशाला है इसकी पर राजधानी एक प्रकार से धर्मशाला में, और मेघालय जो है उसकी प्रकार शिलांग है, मणिपुर इम्फाल है, त्रिपुरा अगरतला, सिक्किम गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है, मिजोरम आइजोल है, गोवा पणजी है, छत्तीसगढ़ रायपुर, और उत्तराखंड जो है देहरादून है, रांची है, तेलंगाना जो हैदराबाद है। अब इसमें ध्यान रखना, उच्च न्यायालय की बात करें तो हैदराबाद नहीं पूछेगा, गुवाहाटी पूछ देगा, असम की राजधानी दिसपुर है, गुवाहाटी इसकी उच्च न्यायालय है, बिहार की भी नहीं पूछेगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, कटक में इसका जो है वो उच्च न्यायालय है।
और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एर्नाकुलम में है, याद रखना इसको। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जबलपुर में उच्च न्यायालय है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जोधपुर में उच्च न्यायालय इसका है। और बाकी पूछ सकता है आपके गुवाहाटी। नागालैंड की कोहिमा है राजधानी, जो है उसका गुवाहाटी जो है एक प्रकार से इसकी जो है वो उच्च न्यायालय हुआ करती थी। बाकी मेघालय शिलांग ये भी नहीं पूछेगा। बिलासपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़ की रायपुर है जो है बिलासपुर, उसकी क्या है मतलब उच्च न्यायालय है। और देहरादून की जो एक प्रकार से उत्तराखंड है, उसी के प्रकार से राजधानी उसकी नैनीताल में उसका उच्च न्यायालय है। हैदराबाद भी नहीं पूछेगा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, 1956 में गठन किया गया था और दिल्ली ही इसकी राजधानी है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। और इसको 1991 ईस्वी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली बना दिया गया, इसका नाम कर दिया गया दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। मुख्यालय इसका दिल्ली एक प्रकार से है और उच्च न्यायालय भी इसकी दिल्ली है, दिल्ली इसकी राजधानी है। पुच्चेरी की राजधानी पुच्चेरी है और चेन्नई में इसका जो है क्या है वो उच्च न्यायालय है। लक्षद्वीप कवरत्ती जो राजधानी है, एर्नाकुलम में जो इसका उच्च न्यायालय है। अंडमान निकोबार द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता में उच्च न्यायालय है। दमन द्वीप की राजधानी दमन है, मुंबई में इसका उच्च न्यायालय है। दादर और नगर हवेली सिलवासा इसकी राजधानी है और मुंबई में इसका क्या है, ये मुख्यालय की बात कर रहे हैं, मुख्यालय ही राजधानी एक प्रकार से है मान लीजिए। मुंबई में इसकी क्या है, मुंबई इसका क्या है मतलब उच्च न्यायालय है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में इसका उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय की अगर जो बात करें तो दिल्ली में है, भारत में 24 इस समय जो है कितने है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो 24 है। भारत में उच्चतम न्यायालय के एक प्रकार से कोलकाता से कब लाया गया था, यहाँ पे कोलकाता से हटाया गया था 1774 ईस्वी में, कोलकाता में एक उच्च न्यायालय जो है प्रकार से बनाया गया था तो 1774 ईस्वी में। और भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कोलकाता में 2 जुलाई 1862 ईस्वी को यह उच्च न्यायालय था और यह उच्चतम न्यायालय बनाया गया था 1774 ईस्वी में कोलकाता में। कोलकाता उच्चतम न्यायालय जो था वो 1774 ईस्वी में, इसका गठन 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग 1773 के तहत किया गया था। 1774-1862 ईस्वी में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वायसराय उस समय वायरन हेस्टिंग्स था और मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। कोलकाता उच्च न्यायालय की अगर जो बात करें तो प्रथम उच्च न्यायालय जो है कोलकाता में 2 जुलाई 1862 में बनाया गया, गठन 2 जुलाई 1862 ईस्वी को किया गया था। वायसराय लॉर्ड केनिंग थे और मुख्य न्यायाधीश जो थे सर बन्ना पिकॉक थे, बन्नो पिकॉक जो थे इसके जो सर जा इम्पे थे, इसके सर बन्नो पिकॉक जो है उच्च न्यायालय के एक प्रकार से क्या थे वो मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 में जो है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कहाँ पे किया गया, तिलक मार्ग नई दिल्ली में जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया और वहाँ कोलकाता से हटा दिया गया, उसको उच्च न्यायालय का दर्जा दे दिया गया। संविधान के तहत स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 31+30=31 है, अब जो बना दिया गया है 33+1=34 बना दिया गया है, ये नवीनतम आंकड़े हैं, 31+1=34 बना दिया गया है। वर्तमान में कितने भी हों इससे फर्क नहीं पड़ता। गठन की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। बोडारी ग्राम बिलासपुर में इसकी जो है स्थान है। उच्च न्यायालय का क्रम जो है 19वां जो है और स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 18 है। भारत में नवीनतम उच्च न्यायालय कौन कौन से, मेघालय में 23 मार्च 2013 को, मणिपुर 25 मार्च 2013 को, त्रिपुरा 26 मार्च 2013 को उच्च न्यायालय जो है 3 बनाए गए। हालांकि और भी उच्च न्यायालय अगर जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह वगैरह के जो उच्च न्यायालय हैं वो अलग कर दिए गए हैं उन्हीं के द्वारा, मणिपुर वगैरह इनके सबके उच्च मतलब अलग अलग कर दिए गए हैं, उन्हीं का मतलब अपना उच्च न्यायालय बना दिया गया उन्हीं के अंतर्गत। इनके बारे में आप जाकर के इंटरनेट पर सर्च करिए, वहां से आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये हमें हर बार जो है चेंज होते रहते हैं, इस बार जो है मतलब चेंज हो गए हैं, हर बार नहीं चेंज होते रहते हैं, अब नहीं चेंज होंगे, अब कहा नहीं जा सकता कि चेंज होंगे, अगर जो राज्यों का विभाजन होगा तो जरूर चेंज होंगे, होने की बात आगे होगी। भारत में जिलों की संख्या जो है 707 से जो है ज्यादा जिले हैं, अब मतलब 707 जिले हैं इस समय, अप्रैल 2017 तक जो है बात की जा रही है।
और सबसे कम जिलों वाला जो है राज्य गोवा है, इसमें 2 जिले हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है इसमें 11 जिले हैं। सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य है। सबसे कम जिलों वाला केंद्र शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे कम जिलों वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप है। एक एक जिला इन सभी में है तीनों में। क्षेत्रफल के आधार पर जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा है वो कच्छ का रण मतलब अब तो लद्दाख हो गया। मन गया है ये कच्छ जो है काम खत्म हो गया है, अब जो है इसको हटा दिया गया है। सबसे छोटा जिला जो है माहे पुदुचेरी का जो जिला है सबसे छोटा वो अभी भी है। केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या 11 संख्या राजधानी क्षेत्र में है। 4 जिले पुदुचेरी में है, 1 लक्षद्वीप में है। अंडमान निकोबार द्वीप में 3 है, दमन द्वीप में 2 है, दादर नगर हवेली में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो दिल्ली का ही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का है। अंडमान निकोबार द्वीप का समूह आंध्र प्रदेश में 13 जिले हैं, जिलों की संख्या बता रहे हैं। और असम में इतने जिले हैं। अब इनके सभी के बारे में आप पढ़ लीजिए कि कितने कितने जिले हैं, कभी एग्जाम में पूछता नहीं है कि किसने कितने जिले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं भारत में राज्यों की बात करें 28 राज्य हैं। सबसे बड़ा राज्य जो है, सबसे छोटा राज्य, इन सभी के बारे में हमने बता दिया आपको। ये जैसा कि आप राज्य देख रहे होंगे भारत के, और उनकी राजधानियों की अगर जो हम बात करें तो उनकी राजधानियाँ जो हैं वो भी हमने आपको बता दिया है कहाँ पे कौन सी राजधानी है। ये फिगर में आप देख लीजिए एक बार नजर डाल के, एक पर रोक रोक के इसको जो है देख लीजिए। राज्यों का गठन जो हुआ था उनके बारे में भी हम बता चुके हैं, कब किस राज्य का जो है गठन हुआ था उनके बारे में पूरी तरह से हम डिटेल में आप बता चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का जो है गठन कब हुआ था उनके बारे में भी हमने बता दिया आपको। जो है दिल्ली का और चंडीगढ़ का, दमन और दीव, दादर नगर हवेली 1961, ये सब हमने आपको जो है बता दिया है कब कहाँ पे किसका गठन हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश तथा उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है, मुख्यालय की बात बता रहे हैं, वही राजधानी कहाँ कहाँ पे है, तो ये राजधानी उनकी जो है दिख रही है। एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में जिलों की संख्या भी हमने बता दी आपको, 75 जिले उत्तर प्रदेश में है। गोवा में 2 जिले हैं, सबसे ज्यादा जिले जो है 75 जिले उत्तर प्रदेश में है। और सबसे छोटा जिला भी बता दिया, बड़ा जिला भी बता दिया, कौन जिला कहाँ पे पड़ता है इनके बारे में भी हमने बता दिया। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के पुनर्स्थापना, कोई नए राज्य आते हैं तो उनके अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा। संघ राज क्षेत्र पुर्तगाल सैन्य कार्यवाही थे। 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 12वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1962 केंद्र शासित प्रदेश गोवा और दमन दीव को जो है इसमें लाया गया। पांडिचेरी जो है फ्रांसीसी फ्रांस की भूमि पर अधिग्रहण समझौता किया था, भारत और फ्रांसीसी भूमि अधिग्रहण जो है समझौता, ये पांडिचेरी को एक अंतर्गत लाया गया था। उसके बाद जो है सिक्किम की बात करें तो सिक्किम भूमि अधिग्रहण समझौता हुआ था। 35वां संविधान संशोधन संबद्ध राज्य, 36वां संविधान संशोधन पूर्ण राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण किया गया। नए राज्यों का उपयोग करते भारतीय भूमि द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, कोई नया राज्य अगर जो बनाना है तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा। जैसे छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया, उत्तराखंड और झारखंड और तेलंगाना ये बनाया गया, और कोई बाहर का राज्य अगर जो आएगा तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारत में सम्मिलित होगा। केंद्र शासित प्रदेशों को एक प्रकार से नया नाम दिया गया है। जो ये देखिए मद्रास को तमिलनाडु नाम दिया गया, मैसूर को कर्नाटक, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 1952 में 1951 के संविधान एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया। 2006 में जो है उत्तरांचल और पांडिचेरी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, उत्तराखंड और पुदुचेरी कर दिया गया। नए राज्यों के प्रवेश की स्थापना, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत सिक्किम को जो है नए राज्यों को प्रवेश लाया गया। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमाओं नामों में परिवर्तन, ये देखिए नए राज्यों का जो निर्माण किया गया उनका है नामों में परिवर्तन किया गया। किन किन के इनके नाम में परिवर्तन किया गया, कब किया गया, उनकी डेट देख रहे हैं आप।
ये इसमें नाम में कर दिया गया। 2011 में उड़ीसा को ओडिशा बोल दिया गया। 1973 में मैसूर को कर्नाटक बोला गया। 1969 में मद्रास को तमिलनाडु बोला गया। 2006 में जो है पांडिचेरी को पुदुचेरी बोला गया। क्षेत्रीय परिषद पृष्ठभूमि जो है गठन 1956 के एक्ट के द्वारा किया गया था। संस्थापक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के बीच में एकता और भावना को एक प्रकार से विकास करना। 1956 में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई थी। नेहरू जी ने इससे जो है देश की एकता अखंडता समाप्त हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने सौहार्दपूर्ण माहौल को स्थापित करके इनके लिए क्या किया था, के लिए कुछ राज्यों को मिला करके क्षेत्रीय परिषदों को मिला करके निर्णय लिया कि दो वर्ष में एक बार जो है सम्मिलित होंगे ये सब, और राज्यों को क्या कर दिया, सौहार्द वातावरण के साथ काम करने की बात की थी। 1956 में क्षेत्रीय परिषद 5 थी। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या वर्तमान में 6 हो गई है। सिक्किम पूर्वोत्तर में और निर्जाति आधार पर जो है इनको बात की गई है, विभाजन किया गया है। सिक्किम 1975 ईस्वी में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय मुख्यालय जो इसका गुवाहाटी में 1971 में, और क्षेत्रीय उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो है 1900 मतलब दिल्ली है ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। पश्चिम के क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है, और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में है। 1956 में एक पे बात की गई थी, मतलब सिक्किम के जो नए क्षेत्रीय सिक्किम को नए क्षेत्रीय परिषद पूर्वोत्तर में जो है शामिल किया गया है। ये क्षेत्रीय परिषद जो बना है नरजाति आधार पर इनका जो है विभाजन किया गया है। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद जो है वो कहाँ पे है, मुख्यालय इसका जो है मुंबई में 1956 में था। संरचना थी, गृह मंत्री होता अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री इसका जो है पदेन अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष एक राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है दो वर्ष के लिए, एक प्रकार से चक्रीय आधार पर ये रहता है। सदस्य संख्या इसकी निर्धारित नहीं है, शेष मुख्यमंत्री और प्लस दो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जो ये मनोनीत किए जाते हैं। राज्यों के बीच एकता और सौहार्द वातावरण स्थापित करने प्रत्येक दो साल में एक बार जो है दिल्ली में सभा होती है। क्षेत्रीय परिषद जो है और सम्मिलित राज्य कौन से हैं, उत्तरी जो है दिल्ली है, उनका जो है बात की गई है कौन कौन से क्षेत्रीय परिषद हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब है, इसके हरियाणा है, राजस्थान है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिल्ली और चंडीगढ़ इसके अंतर्गत जो है सम्मिलित है। दक्षिण में 1956 में चेन्नई कर्नाटक वगैरह ये जो है क्षेत्रीय परिषद शामिल हैं, और पूर्व में जो है क्षेत्रीय परिषद जितनी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद शामिल है और इनकी जो है क्षेत्रीय परिषद ये शामिल है। दो वर्ष के बाद में मतलब इनके जो है मुख्यमंत्री जो है वो चेंज होते रहते हैं हर राज्य के अलग अलग। मध्य की जो क्षेत्रीय परिषद है ये जो क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय परिषद की बात ये जो है पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय परिषद है गुवाहाटी, इनकी जो एक प्रकार से मुख्यालय। क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय की बात की जा रही है, ये जो है मतलब इनकी जो है मुख्यालय बता रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद दिल्ली में है उनका मुख्यालय, इलाहाबाद में इनका मुख्यालय, इनका मुख्यालय गुवाहाटी में है, इनका कोलकाता में है, इनका जो है पश्चिमी का मुंबई में है, दक्षिणी का जो है क्षेत्रीय परिषद चेन्नई मुख्यालय है। क्षेत्रीय परिषद जो है उत्तरी जो है चंडीगढ़, ये भी आपको दिखा दिया गया, इसके अंतर्गत इतने राज्य आते हैं, और ये सब अलग अलग जो दिख रहे हैं ये वो अपने अपने जो है आधार पे जो है मतलब बताए गए हैं। विशेष राज्य का बात किया जाए, प्रारंभ में अप्रैल 1969 ईस्वी में गाडगिल का जो फार्मूला आया था तो 90% अनुदान जो है विशेष राज्य को केंद्र सरकार देगी, 10% जो है इनको ऋण दिया जाएगा, और 90% इनको सॉरी मतलब केंद्र सरकार इनको अनुदान कितना देगी 90%, 10% ही इनको ऋण दिया जाएगा, और 30% अनुदान जो सामान्य राज्य होंगे उनको दिया जाएगा, 70% इनको जो है ऋण दिया जाएगा, जो उनसे वसूला जाएगा अनुदान इनसे वसूला नहीं जाएगा। विशेष राज्य की संख्या जो है वो 11 है। जम्मू कश्मीर जो है एक प्रकार से ये इतने विशेष राज्य हैं, इनको याद रखिए, ये वाले लाइन पे जो आते हैं वो मतलब हिमालय के लगभग एरिया सटे से जो इतने भी क्षेत्र आते हैं प्रदेश आते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वो उन सबों को जो है विशेष राज्य के अंतर्गत जो है रखा गया है। तो ये लेक्चर जो है विशेष राज्य के कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड है, सिक्किम है, और इधर के पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य आते हैं, आठ सिस्टर्स इनको बोला जाता है, ये इधर वाले जो ये रहे हैं आठ सिस्टर्स हैं इनको बोल दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आठ सिस्टर्स हैं,
और ये जो तीन राज्य हैं इनको जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, इनको 90% अनुदान दिया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, और 10% इनको ऋण दिया जाता है। जो सामान्य राज्य हैं उनको 30% अनुदान दिया जाता है, 70% ऋण दिया जाता है। और इसके बाद जो है अगला आएगा हमारा टॉपिक वो नागरिकता से होगा दोस्तों, अगले दिन हम पढ़ाएंगे आपको। तो ये जो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।